नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज भारतीय संविधान के इतिहास का ये वीडियो नंबर 3 होने जा रहा है, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बात कहूँ। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई और ये कौन कौन इसमें शामिल था। तो संविधान निर्माण सर्वप्रथम इसकी मांग जो है बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा सन 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा की गई, यानी संविधान निर्माण की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। ये बाल गंगाधर तिलक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं भारत की आज़ादी में, और 1895 में स्वराज विधेयक इन्होंने ही जो है पहली बार लाया। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। होम रूल से आप लोग को समझ में आ रहा है, होम मतलब घर, रूल मतलब घर से हमारा जो है रूल चलेगा, शासन, घरेलू शासन का मांग जो है सबसे पहले 1916 में लाया गया, क्योंकि इससे पहले जो शासन चलता था वो अंग्रेजों के द्वारा चलता था, यानी ब्रिटिश से शासन चलाया जाता था। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की और कहा कि जब भी भारत में स्वाधीनता मिलेगी भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा। गांधी जी का जो है भारतीय संविधान के इतिहास में और भारत की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाई गई, ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड है, तो जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की। इसका निर्माण बम्बई में किया गया, यानी 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो आई वो भी संविधान निर्माण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया जिसमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट के प्रावधान लिए गए। इसका सबसे प्रबलतम विरोध मुस्लिम लीग और रियासतों के राजाओं के द्वारा किया गया। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1936 में कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें कांग्रेस के मंच पर पहली बार चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के उपरिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया जो एक सदस्य का था। इसने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग मानने का वचन दिया, लेकिन यहां भी डोमिनेंट स्टेट की अवधारणा रखी गई जिसे कांग्रेस लीग और गांधी जी ने नामंजूर कर दिया गया, जिसका जो है गांधी जी और कांग्रेस लीग के द्वारा इसे नामंजूर कर दिया गया जो क्रिप्स मिशन भारत को आया था समझाने और इसे डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने आया था। तब गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आता भी है कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसे दी गई, तो यही जो क्रिप्स मिशन था इसे पोस्ट डेटेड चेक का दिया गया संज्ञा। क्यों? कहने का मतलब ये है कि एक मैं आपको ऐसा चेक दे दूँ, काम आपसे पहले करवा लूँ और चेक दे दूँ जिस पे डेट इतना ज़्यादा दिन का डालूँ जब तक चेक आपका भरोसा भी नहीं है कि आपका बैंक रहेगा कि नहीं, आप रहेंगे कि नहीं। तो पोस्ट डेटेड चेक इसी को कहा जाता है जिसमें उम्मीद जगाई जाती है, हो सकता है वो बाद में सही साबित हो, लेकिन पोस्ट डेटेड चेक का मतलब तो यही है। अर्थात इसका मतलब यह था कि अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। भारत में शासन की अर्थव्यवस्था देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेलेल ने सन जून 1945 में शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलाई जो किसी भी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची। इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन या वेवल योजना के नाम से भी जाना जाता है। उस समय देखिए परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी देश अपना वर्चस्व बनाने के लिए एक होड़ दौड़ में लगे हुए थे, यानी सारे देशों का कम से कम बहुत ही ज़्यादा सैनिक जन और धन का हानि हुआ था, तो ब्रिटेन भी उसी में था। मार्च 1946 के कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया जिसकी अध्यक्षता सर पैंथिक लॉरेंस ने की, यानी मार्च 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया और सर पैंथिक लॉरेंस ने इसकी अध्यक्षता की और अन्य दो सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिम्स और ए वी एलेक्जेंडर।
इस आयोग के द्वारा तत्कालिक समय में शासन का सही निर्धारण करने का प्रयास किया गया। इसकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई और ये संविधान सभा इस प्रकार थी। देखिए, संविधान सभा के कुल सदस्य उस समय 389 निर्धारित किए गए, यानी 390 से एक कम। संविधान सभा के कुल सदस्य 389 निर्धारित किए गए, जो 390 से एक कम थे, जिसमें ब्रिटिश भारत से 292 लोग थे, चीफ कमीशन से 4 सदस्य और देसी रियासतों से 93 सदस्य रखे गए थे। देसी रियासत यानी भारत में अभी भी कई ऐसे जगह थे जो आज हम लोग राज्यों और शहरों के नाम से जानते हैं, जहां पर राजा महाराजा रहते थे, तो वहां से भी लोगों को उनमें शामिल किया गया, जिनमें से 93 सदस्य थे। ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया, यानी प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य उस समय जो हमारा विधान परिषद या विधानमंडल बनता उसमें जाता। और सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया, एक सामान्य, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख पंजाब। देखिए, यहाँ पर अंग्रेजों की आप मंशा को समझिए कि अंग्रेजों ने भारत को बांटने के लिए कोई भी तरीका ऐसा नहीं छोड़ा जो भारत को बर्बाद ना कर सके। सारे साम दाम दंड भेद सब कुछ कर डाला और फिर अपना जाति धर्म के आधार पर बांटना शुरू किया। हालांकि पृथक पाकिस्तान की मांग भारत के ही कुछ संगठनों के द्वारा की गई, लेकिन इसका उपज अंग्रेजों ने ही किया था, जिसको बाद में नामंजूर भी कर दिया गया, क्योंकि नामंजूर कर किया गया उन सदस्यों के द्वारा जिसमें भारत के सभी रियासतों से तथा 10 लाख जनसंख्या पे जो सदस्य चुने गए थे वो लोग भी आए थे। कोई भी अपने घर का बंटवारा नहीं चाहता है, उसी प्रकार भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग अपने भारत का बंटवारा नहीं चाहते थे। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें, मुस्लिम ने 73 सीटें, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें और 15 सीटें अन्य लोगों ने जीते। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जिसमें दिल्ली, कर्नाटक, अजमेर, ब्रिटिश बलूचिस्तान जिसे पाक में अभी कहा जाता है, हालांकि बलूचिस्तान का अभी एकदम से आप लोग को पाक में है कि आज़ाद है कि भारत में है आप ये नहीं कह सकते हैं। इसी आधार पर अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया, जिसमें 2 सितंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग अब तक इतना ज़्यादा अंग्रेजों के द्वारा भड़काई जा चुकी थी कि अलग एक देश का मांग लेके प्रबल तरीके से खड़ी थी। इस सरकार की अध्यक्ष तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ही थे तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस सरकार ने सदस्य संख्या नेहरू सहित 14 रखी थी। 26 अक्टूबर सन 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन किया गया। लीग ने 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल अपने किए। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने और इन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना या विभाजन योजना या जून योजना के नाम से आज जाना जाता है। इसे 18 जुलाई सन 1947 को ब्रिटेन के राजा के पास द्वारा पास कर दिया गया। इस योजना की क्रियान्वित 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्रता और स्वतंत्र अधिनियम में हुई। इसके निम्नलिखित प्रावधान थे, देखिए, इसमें एक तो दो स्टेटों में भारत बट गया, यानी भारत दो बड़े देशों में बट गया, भारत तथा पाकिस्तान। भारत से ब्रिटिश साम्राज्य के सभी अधिकार हटा लिए गए। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश तथा असम का सिलहर जिला पाकिस्तान को दे दिया गया। भारत का शासन जब तक संविधान निर्मित पूर्णित ना हो 1935 के शासन अधिनियम से ही चलना तय किया गया। संविधान सभा को संप्रभु संप्रभुता की स्थिति प्राप्त हो गई। देखिए, भारत उस समय जब बटा तो जो बांग्लादेश है आज का और पाकिस्तान है, ये दोनों मिलके पाकिस्तान हो गए थे, तब मतलब बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं था। बांग्लादेश तो सन 1971 की लड़ाई में बना था, जब भारत की जीत हुई थी पाकिस्तान पर और बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद कराया था। तो भारत का वायसराय माउंटबेटन बना रहा, लेकिन पाकिस्तान में गवर्नर जनरल या वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना बने। चूँकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय संपूर्ण भारत का वायसराय माउंटबेटन ही था,
तो माउंटबेटन ही बना रहे, लेकिन नए राज्य का निर्माण तो पाकिस्तान की तरफ से हुआ था। नया राज्य पाकिस्तान बना था, भारत तो वही था जिसका कुछ हिस्सा कट गया था, जैसा कि शुरू से कटता आ रहा था। इससे पहले म्यांमार कटा था, अफगानिस्तान कटा था, भारत वैसे ही। आप समझिए कि एक नए राज्य नया देश बना पाकिस्तान, जिसके वायसराय बने मोहम्मद अली जिन्ना। विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने। जैसे आज भी जब वोटिंग होता है, चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव, तो चुनने के बाद तुरंत लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है, तो कुछ प्रोटेम्प्ट स्पीकर बनाया जाता है, यानी अस्थायी अध्यक्ष। उसी तरह तब पर भी जब भारत आज़ाद हुआ तो तुरंत वहाँ पर स्पीकर के लिए चुनाव नहीं हुआ, तो तब तक के लिए वहाँ पर अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी वो कुछ समय के लिए ही अध्यक्ष बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बैठक सन 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अध्यक्ष पूर्ण रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। इसी बैठक के उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी तथा संवैधानिक सलाहकार बी एन राव बने। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले अध्यक्ष हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहले उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। तीसरी बैठक सन 13 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, जिसमें नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया, और इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों के आधार पर भारत के संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई और भारत के संविधान का गठन हुआ। आगे देखते हैं संविधान सभा समिति गठन। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया, जो इस प्रकार थी। देखिए, समिति अध्यक्ष संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। राज्यों तथा रियासतों के परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ये सरदार पटेल ही हमारे पहले गृह मंत्री भी बने थे। मौलिक अधिकारों तथा उस पर उप समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। झंडा समिति के, देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष यहाँ पर जे बी कृपलानी लिखा है, लेकिन झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सरकारी वेबसाइटों के आधार पर मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं दिख रहा है, सिर्फ चार ऑप्शन हैं, उसमें जे बी कृपलानी दिख रहा है, तो आप जे बी कृपलानी लिखाइए। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, झंडा अध्यक्ष, जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे एच वर्धाचारी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यानी प्रारूप समिति का परीक्षण करने वाली समिति, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। यानी प्रारूप समिति का परीक्षण करने वाली समिति के अध्यक्ष थे अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। और प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग समिति या मौजूदा समिति भी जाना जाता है, मसौदा समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वेरी इंपॉर्टेंट, यही प्रारूप समिति, समझ लीजिए, संविधान निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आप याद कर लीजिए कि प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति भी कहते हैं, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति जो थी, उसके अध्यक्ष थे अल्लाद कृष्णा अय्यर स्वामी अय्यर। तो देखिए, प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, एक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो प्रारूप समिति के, जो जांच करने वाली समिति के अध्यक्ष भी थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणि के लाल मुंशी, एन माधव राह, यह बी एल मित्तल के स्थान पर आए थे। इससे पहले बी एल मित्तल थे, जो बाद में हट गए थे, तो उनके स्थान पर आए थे एन माधव राव। और टी टी कृष्णा माचारी, यह डी पी खेतान के स्थान पर आए थे। डी पी खेतान के स्थान पर आए थे टी टी कृष्णा माचारी। और लास्ट में मोहम्मद सादुल्ला। तो ये कुल मिला के 7 सदस्य थे। कहा जाए तो इसमें टोटल 9 सदस्य थे, जो 2 लोग हट के 2 लोग नए आए थे। प्रारूप समिति 19 अगस्त
प्रारूप समिति 29 अगस्त सन 1947 को गठित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त सन 1947 को। संविधान सभा में पहली बैठक के अंतर्गत 207 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था और संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था तथा 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर भी किए थे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत विभाजन के उपरांत संविधान सभा की संख्या 324 घटकर रह गई थी। यानी जब 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन हुआ था तो संविधान सभा में सदस्य की संख्या 324 ही रह गई थी और अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की संख्या घटकर 299 रह गई। अब संविधान सभा द्वारा संविधान के कुल 3 वाचन संपन्न हुए। अंतिम वाचन, वाचन यानी जो आज भी स्पीकर से बहस होता है, वाद विवाद होता है, तो जिसमें संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का एक बहस होता है, तो 3 वाचन संपन्न हुए। उसमें अंतिम वाचन 17 नवंबर सन 1949 को हुआ और यह 26 नवंबर सन 1949 तक चला। कुल बैठक 105 तथा 12 अधिवेशन संपन्न किए गए। भारत विभाजन से पूर्व 4 अधिवेशन संपन्न किए गए। 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई क्योंकि महात्मा गांधी जी का देहांत हो गया था। कमेंट बॉक्स में लिखिए महात्मा गांधी जी का देहांत कब, कहां पर, कैसे हुआ था। मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करना सुनिश्चित किया। भारतीय संविधान सहमति और समायोजन के आधार पर इसे बनाया गया। भारतीय संविधान सभा ने 2 प्रकार का कार्य किया। एक, जब संविधान निर्माण का कार्य किया जाता है तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करेंगे, तथा जब संविधान तथा सभा विधायिका के रूप में कार्य करती है तो इसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मालवंकर के द्वारा की जाती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान निर्माण हेतु 24 नवंबर सन 1949 को आयोजित की गई। इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। कितने? 284 लोगों ने। और हस्ताक्षर करने वाला प्रथम व्यक्ति था जवाहरलाल नेहरू। और यही जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने, जिनका जन्मदिन दिवस 14 नवंबर को बच्चे मनाते हैं चाचा नेहरू के उपलक्ष्य में। राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे बलवंत सिंह मेहता, तथा राजस्थान से 12 सदस्य भेजे गए, 11 सदस्य देसी रिसायतों से तथा 1 चीफ कमिश्नरी अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से भेजे गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेद, जिसमें नागरिकता, अंतरिम संसद तथा संक्रमणकालीन उपबंध लागू किए गए, संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। लेकिन लागू करने से पूर्व 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक बुलाई गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। कमेंट बॉक्स में आप लोग राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के लेखकों का नाम लिखिए। चलिए, राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार सन 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया था और इसकी अवधि लगभग 52 सेकेंड की थी। इसकी भाषा जो थी, मूल भाषा, वो बांग्ला भाषा में थी। और राष्ट्रगीत बंकिमचंद चटर्जी ने इन्हें गाया। यह मूलतः संस्कृत भाषा में है और आनंद मठ से लिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान के लिए एक परिचय के रूप में कार्य करती है। जैसे हम कोई भी निबंध लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्तावना किसी का भी परिचय होता है। प्रस्तावना संविधान के लिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधित किया गया था। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसमें 3 नए शब्द भी जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए किया गया था। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। प्रस्तावना क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग। अभी देखिए जो KBC था उसमें क्वेश्चन भी आया था कि संविधान की प्रस्तावना का शुरुआती वाक्य क्या है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व,
संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, जैसे कि प्रश्न आ सकता है कि क्या संविधान में धर्म निरपेक्ष का कहीं पर उल्लेख है, तो आप पढ़िए हम भारत के लोग भारत को संप्रपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, तो इसमें आपने धर्म निरपेक्ष नहीं देखा, पंथ निरपेक्ष है। ऐसे ही कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब प्रस्तावना के चार घटक हैं। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष धर्म पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है। यह सभी नागरिकों के लिए न्याय स्वतंत्रता समानता को सुनिश्चित करता है। यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। उसमें उस तारीख यानी 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है और इसी दिन को यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है। संप्रभुता का मतलब है, प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार भी है। समाजवादी का अर्थ है कि 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया, जिसका अर्थ है कि समाजवादी के प्रति लोकतांत्रिक तरीकों से हम अपने समाज को अपनाते हैं। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है, जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों दोनों के कंधों से कंधा मिलाकर समय सफर तय करने का लक्ष्य रखा जाता है, और इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना होता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, शायद उसमें लिखा नहीं हुआ है, तो धर्मनिरपेक्ष का जो शब्द है उसे 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसका अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को समानता मिलती है, हर राज्य में सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 के एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का प्रावधान है। यानी संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 25 से 28 ये एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। लोकतांत्रिक का अर्थ है कि संविधान की स्थापना सरकार के रूप में होती है, जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित करके अधिकार प्राप्त होते हैं। ये लोगों के बीच से लोगों के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र की प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरकार की जिम्मेदारियां, प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। गणराज्य का अर्थ है एक गणतंत्र अथवा एक गणराज्य। राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों का चुना जाना है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों के द्वारा प्रक्षोभ रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ है संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एक राजा के बजाय लोगों के हाथों में निहित होती है। न्याय का अर्थ है, प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इन चिन्ह मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है।
प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगति समाज बनाने का है। आर्थिक न्याय का अर्थ समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण से है, जिससे संपत्ति कुछ हाथों में केंद्रित नहीं हो सके। राजनैतिक न्याय का अर्थ सभी नागरिकों के राजनीतिक भागीदारी की बराबरी से अधिकार से है। भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के समान मूल्य प्रदान करती है। संपत्ति से आप लोग को मालूम हुआ कि एक संपत्ति का अधिकार हटाया गया है, ये किस में हटाया गया है, कहां से हटाया गया है, किस अनुच्छेद से हटाया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अगला है स्वतंत्रता। तो आप लोग जानते हो स्वतंत्र हम लोग नहीं थे, कोई तानाशाही हमारे ऊपर नहीं हो सकता है, किसी के नौकर चाकर जबरदस्ती नहीं हो सकते हैं, हम लोग मुक्त हैं। इसी तरह समानता, मतलब किसी को भी धर्म, जाति, कलर और किसी भी आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से हम लोग एक दूसरे में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो कितना अमीर हो, चाहे जितना ही गरीब क्यों ना हो, चाहे कितना गोरा हो, कितना काला हो, जो भी है, ये रंग जाति के आधार पर किसी में भी असमानता का भाव ना उत्पन्न हो, इसलिए समानता का शब्द जोड़ा गया है। भाईचारा का अर्थ है कि लोगों में आपस में बंधुत्व की भावना हो। भारत में तो है भी कि जब अनजान आदमी एक दूसरे से मिलता है तो भाई, अंकल, दादा कहकर एक दूसरे को संबोधित करता है। प्रस्तावना में संशोधन देखिए कब हुआ था, सन 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा हुआ था। ये केवल अभी तक एक बार हुआ है और इसमें तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। हाँ, तो देखिए मैं बता रहा था कि जो हमारा धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये संविधान के मूल प्रस्तावना में नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या, संविधान की प्रस्तावना को तब जोड़ा गया जब बाकी संविधान पहले से लागू हो गया था। बेरूबरी यूनियन के मामले में सन 1960 सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि यह स्वीकार किया गया कि यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट या उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। केशवानंद भारती मामला सन 1973, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए केशवानंद भारती मामला सन 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही एक हिस्सा है। आप दो याद कर लीजिए, एक है यूनियन मामला सन 1960 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, और फिर से आया केशवानंद भारती मामला 1973 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, संविधान का प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 386 के तहत संशोधित किया जा सकता है। यानी 386 के तहत संविधान के प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। एक बार फिर भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती मामला, जिसके तहत संविधान को, संविधान के प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना खूबसूरत शब्दों की भूमिका में बनी हुई है और इसमें बुनियादी आदर्श, उद्देश्य और दार्शनिक भारत के संविधान की अवधारणा शामिल है। ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्कसंगतता अथवा निष्पक्षता प्रदान करते हैं। टॉपिक है संविधान का बुनियादी ढांचा यानी सिद्धांत। संविधान संसद और राज्य विधान मंडलों या विधानसभाओं को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर कानून बनाने का अधिकार देता है। संविधान में संशोधन करने के लिए बिल संसद में ही पेश किया जाता है और यह एक शक्तिपूर्ण नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान के साथ न्याय संगत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है कि वह इसे अमान्य घोषित करे और इस पर विचार करे। इस प्रकार मूल संविधान के आदर्शों और दर्शनों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना सिद्धांत को निर्धारित किया है। सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान की बुनियादी ढांचे में परिवर्तन या उसे नष्ट नहीं कर सकती है। बुनियादी संरचना के विकास, तो देखते हैं बुनियादी संरचना के विकास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। तो बुनियादी ढांचा जो है, इस शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है।
लोगों के बुनियादी अधिकारों और संविधान के आदर्शों और दर्शन की रक्षा के लिए समय समय पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप के साथ यह अवधारणा धीरे धीरे अपने आप ही विकसित हो गई है। पहला संविधान संशोधन अधिनियम सन 1951 को आया, जो कि भारत सरकार बनाम शंकरी प्रसाद मामले में चुनौती दी गई थी, इसीलिए आया। संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता है और इसके लिए इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों के सहित संविधान के किसी भाग में भी संशोधन करने की शक्ति प्रदान है। इस तहत इसका निर्णय न्यायपालिका में न्यायालय में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार के मामले में दिया गया था। सन 1967 में गोलखनाथ बनाम पंजाब सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के इस फैसले को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान के भाग 3 में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ और स्थिर है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार अनुच्छेद 368 केवल संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया की अनुमति देता है और संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन के लिए संसद को पूर्ण शक्तियां नहीं देता है। 1971 में संसद में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया गया था। अधिनियम ने मौलिक अधिकारों सहित संविधान में कोई भी परिवर्तन करने के लिए संसद को पूर्ण शक्ति दे दी थी। इसने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी संवैधानिक संशोधन बिलों पर राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होगी। सन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोलखनाथ मामले में अपने निर्णय की समीक्षा द्वारा 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन ऐसा करते समय संविधान का मूल ढांचा बना रहना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना की कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। यह कहा कि संविधान के मूल ढांचे को एक संवैधानिक संशोधन द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। फैसले में न्यायाधीशों द्वारा सूचीबद्ध की गई संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, सरकार की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक प्रपत्र, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र, शक्तियों का विभाजन, एकता और भारत की संप्रभुता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता इत्यादि। समय समय पर संविधान संशोधन हुए और उसके लिए कई ऐसे मामले थे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारे फैसले लिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारे संविधान के संबंध में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैं। देखिए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951 संविधान संशोधन यानी प्रथम संविधान संशोधन के बाद लिया था। दूसरा है सज्जन सिंह बनाम भारत सरकार। सज्जन सिंह बनाम भारत सरकार नहीं राजस्थान सरकार, यह 1965 में आया और इसमें संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से की संशोधन करने की शक्ति है। यह भी एक नया सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा। फिर आया गोलखनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967। संसद को संविधान के भाग 3 में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, यह आया 1967 में मौलिक अधिकारों के तहत। अगला है केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, वेरी इंपॉर्टेंट, 1971 में। संसद के किसी भी प्रावधान में संशोधन हो सकता है और संसद किसी भी संविधान के प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन बुनियादी संरचना को कमज़ोर नहीं कर सकती है। इसीलिए आप लोग ने देखा होगा संविधान में जितने भी अनुच्छेद थे, अनुच्छेद वही हैं और जो बढ़ाया जाता है वह अनुच्छेदों के साथ क ख ग घ के रूप में बढ़ाया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुल कितने अनुच्छेद हैं इस समय और पहले कितने अनुच्छेद थे। अगला है इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण 1975। सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना में अपनी अवधारणा की पुष्टि की। अगला है मिनर्वा मिन्स बनाम भारत सरकार 1980। इसमें बुनियादी विशेषताओं में न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को जोड़कर
बुनियादी ढांचे की अवधारणा को आगे विकसित किया गया। अगला है की होतो होलोन बनाम जाची लहू 1992, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को बुनियादी विशेषताओं में जोड़ा गया। अगला है इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 1992, इसमें कानून का शासन बुनियादी विशेषताओं को जोड़ा गया, बुनियादी विशेषताओं में जोड़ा गया। अगला है और आखिरी एस आर बोम्बई बनाम भारत सरकार 1994, संघीय ढांचे भारत की एकता अखंडता धर्मनिरपेक्षता समाजवाद सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा को बुनियादी विशेषताओं में के रूप में दोहराया गया। अगला टॉपिक है संविधान के स्रोत। तो देखिए संविधान कहां कहां से लिया गया, संविधान में मूल कितने अनुच्छेद थी, कितने भाग थे, कितने अनुसूचियां थी, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो संविधान सभा द्वारा संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं और इसमें 14 भाषाओं को रखा गया था। वर्तमान में 395 ही अनुच्छेद हैं और इन्हीं अनुच्छेदों में क ख ग घ करके जोड़ा गया है तो कुल मिला के 445 से अधिक अनुच्छेद हो जाते हैं और 22 भाषाएं हैं और 22 भाग हैं तथा 12 अनुसूचियां कर दी गई हैं। विभिन्न देशों से कई अलग अलग तरीके के जो अनुच्छेद हैं लिए गए संविधान बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कहां से किस प्रकार की जो है बातें ली गई। इंग्लैंड से ली गई एकहरी नागरिकता विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति पद की औपचारिक स्थिति, मंत्रिमंडल शासन, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान, संसदों का एवं विधायकों का विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगाई जाती है, लोकतंत्र, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपकाल, आपातकाल, संविधान का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना। तो संविधान के तहत तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति और संघात्मक शासन के प्रावधान। अगला है फ्रांस से क्या क्या लिया गया। फ्रांस से लिया गया गणतंत्र। गणतंत्र से तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्रध्वज जनता द्वारा निश्चित समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना, यह वंशानुगत नहीं होता है। अगला है कनाडा। तो कनाडा से लिया गया संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान। अति विशिष्ट शक्ति केंद्र के अधीन रखी गई। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द की अवधारणा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से प्रमाण प्राप्त करना। और अगला है पूर्व सोवियत संघ, यानी आज जो रूस है, पहले इसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। यहाँ से क्या क्या बातें ली गई, मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएँ, समाजवाद। और जर्मनी से क्या क्या लिया गया, राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियों के प्रावधान। आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ति सूची, प्रस्तावना की परिभाषा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संविधान में इसका लगभग 2/3 भाग लिया गया है, यानी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, यहाँ से संविधान में आज भी 2/3 भाग यहीं से है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है अधिवेता आइबर जोन्स, वकीलों का स्वर्ग। इतना ही है, ये वीडियो नंबर भाग 3 था और इसके बाद मैं आगे भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप लोग देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।